अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपके जो रिसीवर होते हैं उसका अगर डेज काम ना करे तो आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैं किसी के घर पे बैठा हूँ और मेरे पास काफ़ी सामान तकरीबन सारा था, तो मैंने एक घर पे हूँ और मैंने ये डिश चेक की तो इसका डेज काम नहीं कर रहा था। मसलन इसका डेज ठीक था, मेरे पास रिसीवर था उसके ऊपर डेज काम कर रहा था, मगर इस रिसीवर के ऊपर डेज काम नहीं कर रहा था। तो मैंने चार डेजक पे मैंने पाक सेट सेलेक्ट की थी, मगर एशिया सेट जो एयरवेल सेलेक्ट है वो वन पे थी। चार पे भी करता था तो वन वन सेलेक्ट आती थी क्योंकि इस पे डेजक का प्रॉब्लम था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसे हल किया, और आप यकीन करें ये मेरे चार पोर्ट पे लगाई है और मैं इसे ब्लाइंड सर्च कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों के सामने है कि सेटेलाइट आ रही है पाक सेट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसका जो मसला है वो हल किया है। चलता है आपको रिसीवर की तरफ लेकर के, मैंने आपको ज़रूर दिखाना है क्योंकि आपके पास ये मसला आ सकता है, कारीगरों के पास ये मसला आ सकता है। और आपको नज़र आ रहा है कि पाक सेट की जो सेटिंग है वो मैंने चार फुट पे की है, और आपको नज़र आ रहा है कि कम्प्लीट चैनल आ रहा है, ये टी वन वगैरह ये 5 फुट के मसलन कप डिश पे ऊपर नहीं आते। तो यहाँ पे देखे, मैं आपको चलता हूँ डिश की तरफ लेकर, रिसीवर की तरफ लेकर, और मैंने इसकी पहले इसके वोल्ट चेक किए हैं, वोल्ट ठीक आ रहे थे। फिर मैंने मसलन 21, 15 ग्राउंड 5 इसके वोल्ट होते हैं, वो कंप्लीट दोनों ठीक थे तीनों। और मैंने अभी देख के इस पे ऊपर चेंज क्या किया है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने टाके से अच्छे तरीके से नहीं लगाए, मगर काम हो गया है। ये वाला जो है ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आप नज़र आ रहा होगा, मैं जो दिखा देता हूँ, ये वाला कैपेसिटर मैंने लगाया है और इसका मैं आपको नंबर दिखा दे तो 50V 100U का ये कैपेसिटर है और मैंने इसका चेंज किया है। तो यकीन कर लें ये अब इसके ऊपर डेज काम कर रहा है, कोई इसको मसला नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। कोई मैंने इसके ये छोटे वन जो IC छोटे हैं वो चेंज नहीं किए, ये मैंने एक कैपेसिटर चेंज किया है और मेरा काम हो गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे रहे हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखें।